Next speaker is Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Susan Brown Miller wrote a book, Men, Women and Rape, in 1975, whereby she argues that rape is a conscious process of intimidation by which all men want to keep all women in a perpetual state of fear. चीजें बदली नहीं है सर, मैं वाकिफ हूं कि जो जन आक्रोश पूरे मुल्क में हुआ था निर्भया के बाद, उस जन आक्रोश में मेरी भी थोड़ी हिस्सेदारी थी, वो आक्रोश मेरे भी सीने में था, लेकिन संसद को आक्रोश के लॉजिक को कम से कम समझना चाहिए. और मैं ये क्यों कह रहा हूं सर, जस्टिस वर्मा ने भी कहा कि अगर मर्डर और रेप की एक ही सजा होगी तो जो रेपिस्ट है वो विक्टिम को बचने नहीं देगा. मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा हो जाए, दुखद हादसा हो जाए, लेकिन मुझे अपनी बच्ची वापस चाहिए घर में. मैं मंत्री महोदया सिर्फ ये सवाल रख रहा हूं, मैं सदन की राय के साथ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये डर है और ये डर मेरा अकेले का नहीं है, सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े वर्ग का डर है. मैं उस साझा डर को आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं. 95% लगभग जो रेप होता है सर वो आउटसाइडर नहीं होते हैं, इनसाइडर होते हैं सर. चाचा, मामा, भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, नून पीपल, पीड़िता को पता होता है कि कौन है, अपने घर के लोग हैं. तो ये मुश्किल हमें आने वाले दिनों में आएगी. सदन क्या तय कर रहा है, क्योंकि मुझे आशंकाएं हैं, मैं सदन की राय के साथ हूं, लेकिन मैं अपनी आशंकाएं आपके समक्ष रख रहा हूं. दिल्ली हाईकोर्ट में सर एक पीआईएल हुआ, उसमें माननीय जज ने कहा, डिड यू कैरी आउट एनी स्टडी अबाउट द साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ डेटरेंस, नंबर वन. नंबर टू, हाउ मेनी ऑफेंडर्स विल अलाउ देयर विक्टिम्स टू सर्वाइव. ये आशंका सिर्फ मेरी नहीं है, ये आशंका सिर्फ सिविल सोसाइटी की नहीं है, यह आशंका माननीय न्यायाधीश महोदयों की, और यह आशंका हम सबको एक बार इस पर विश्लेषण करना चाहिए. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं एक बार आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग कई चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जिसमें इंस्टीट्यूशनल पैटर्न के तहत चीजें हो रही थी, और उसके बाद एक एक करके कई और इलाकों से खबरें आई सर. सर, शेल्टर होम्स आर अंडर द स्टेट इज द कस्टोडियन. मैंने खुद एक सोशल वर्क के स्टूडेंट के रूप में शेल्टर होम्स में कुछ दिन काम किया सर. शेल्टर होम्स को लेकर के भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वायलेशन, अब्यूज वहां हो रहा है, कुछ सुझाव मैं दे रहा हूं, अगर उचित लगे तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लें. सोशल ऑडिट मैंडेटरी हो, और वो सोशल ऑडिट बच्चों के लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ मैच करें. इंडिपेंडेंट एजेंसी, मैं समझता हूं इंडिपेंडेंट एजेंसीज के हाथ में सोशल ऑडिट का काम. सर बस 30 सेकेंड और लूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. लिंकिंग रिपोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस पीरियोडिक असेसमेंट विद ऑफिशियल रिपोर्ट, लिंकिंग एवरी असेसमेंट रिपोर्ट विद वैलिडेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन. क्योंकि इसी सब के अभाव में सर वो हुआ मुजफ्फरपुर में और अन्य जगहों पर जो नहीं होना चाहिए था. पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करने की कोशिश करें, और सबसे ज्यादा सर ड्यू डिलीजेंस स्टाफ जो रिक्रूट हो रहा है उसके बारे में हो, सिस्टम स्ट्रेंथन करने की कोशिश होनी चाहिए. मैं जानता हूं बहुत बड़ा आक्रोश था जैसा मैंने कहा, लेकिन एक बार तय करना होगा कि क्या हम इस नतीजे पर सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि बाकी चीजें जो ज्यादा फौरी तौर पर आवश्यक है, सिस्टम स्ट्रेंथन करना, विटनेस प्रोटेक्शन,
विक्टिम प्रोटेक्शन, उन सब के बारे में, क्योंकि कन्विक्शन रेट लगातार कम हो रहा है सर, और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता की है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा, एक बार डेथ पेनल्टी सर बहुत पीड़ा होती है, लोग चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन सर ये देखना होगा इस डेथ पेनल्टी क्लॉज के कारण हमारी बच्चियों के साथ वारदात ऐसे ना हो जाए कि हम उन्हें वापस ना पा सकें। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद।